केजरीवाल मुर्दाबाद, 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 केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। राजधानी दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में दिल्ली बीजेपी प्रदर्शन कर रही है एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार के खिलाफ, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पुतला भी बनाया गया है। और कोनॉट प्लेस का ये हनुमान मंदिर है जहां पर इस तरह का पुतला बनाया गया है, और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कुछ इसी तरह के पुतले बनाए गए हैं। और दिल्ली बीजेपी क्या करना चाहती है इस तरह के पुतले बनाकर, और क्या मैसेज देना चाह रही है? देखिए, जनता को सीधा संदेश है और जनता इस आंदोलन से जुड़ी हुई है। आज हम नई दिल्ली विधानसभा, जिसका प्रतिनिधित्व दिल्ली के मुख्यमंत्री करते हैं, उनकी नाक के नीचे यहाँ पुतला जला रहे हैं भ्रष्टाचार का, घोटालों का, और जो काले कारनामे उन्होंने किए हैं उन सभी कारनामों का। और इसके माध्यम से, क्योंकि ये होली का त्यौहार है, होली का दहन है, बुराई पे अच्छाई की विजय का त्यौहार है, तो आज हम बुराई का यहाँ नाश करने का प्रण ले रही है, दिल्ली की जनता प्रण ले रही है, और निस्संदेह आने वाले समय में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आप ये कह रहे हैं, और रायपुर में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मनीष सिसोदिया को एक संत की तरह है। अरविंद केजरीवाल तो सत्येंद्र जैन को भारत रत्न दिलवा रहे थे, और जो भाषा अरविंद केजरीवाल ने कही है, पूरे हिंदुस्तान में एक विचार ऐसा है जो भारतीय संस्कृति, हमारे धर्म और भव्य को कलंकित करने का काम करता है। अरविंद केजरीवाल भी उससे अछूते नहीं है, इसलिए उन्हें संत महात्मा या इस तरह की कोई भी बात कहने से पहले कम से कम 10 बार सोचना चाहिए था कि वो अपनी भारतीय संस्कृति को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से जो प्रोटेस्ट है वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में लगातार चल रहा है।